ये आदमी अपनी कार से कहीं जा रहा होता है, तभी उसके सामने कुछ गाय आ जाती है। उन्हें बचाने के लिए वो अपनी कार को रोड के नीचे एक खाली मैदान की तरफ मोड़ देता है। कुछ देर बाद वहाँ पर जमीन हिलना शुरू कर देती है और आसमान से एक चीज नीचे आ गिरती है और ये होती है इनविजिबल वॉल, जिसे कई चीजें दो टुकड़ों में कट जाती है। यहाँ पर पता चलता है कि इस टाउन की सभी पावर सप्लाईज अब बंद हो चुकी है, इंटरनेट कनेक्शन भी अब काम नहीं कर रहा है और सारे सैटेलाइट कनेक्शन भी अब टूट चुके हैं। तभी शहर के ऊपर से एक प्लेन गुजर रहा होता है जो कि इनविजिबल वॉल से टकराकर ब्लास्ट हो जाता है, जिसे देखकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। और अब ये भी कंफर्म हो चुका था कि ये इनविजिबल वॉल एक राउंड शेप ड्रोन है जिसने आधे से ज्यादा शहर को कवर किया हुआ है। अब हम एक फायर ट्रक को देखते हैं जो कि ड्रोन के दूसरी तरफ से आ रहा होता है, वो भी उसे रोड पर खड़ा होकर इशारा कर रोकने की कोशिश करता है और आखिरकार वो उसे रोक ही देता है। यहाँ पर किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, कैसे कोई ड्रोन पूरे टाउन को कवर कर सकता है। तभी हम एक कार को देखते हैं जो कि टाउन की तरफ बढ़ रही होती है। उन्हें रेडियो से चेतावनी भी मिलती है पर वो उसे इग्नोर कर देते हैं क्योंकि उन्हें ये कोई अफवाह लगती है। पर तभी सामने से एक ट्रक ड्रोन से टकरा जाता है, जिसे देखकर वो अपनी कार को ब्रेक मार देते हैं। इस इंसिडेंट के बाद कार में बैठी एक लड़की को दौरे पड़ने लगते हैं और वो किसी पिंक स्टार के बारे में बात कर रही थी। उसे फटाफट से हॉस्पिटल